जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता पंचम खंड का 11वां अध्याय, भगवान शिव द्वारा देवताओं को वरदान। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आप परम शिव भक्त हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप मुझे अब यह बताइए कि जब त्रिपुर नष्ट हो गए तब देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ चला गया? भगवान, इन बातों के बारे में सुविस्तार मुझे बताइए। व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव ने त्रिपुरों को उनके स्वामियों के साथ जलाकर भस्म कर दिया तब सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें अपने संकट और भय से मुक्ति मिल गई थी। परंतु जब सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की ओर देखा तो अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। वे करोड़ों सूर्यों के तेज के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके दिव्य तेज से सारी दिशाएं अलोकित हो रही थी। भगवान के इस रौद्र और प्रलयंकारी रूप को देखकर कोई भी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। सब नतमस्तक खड़े हो गए। यहाँ तक कि श्री हरि और ब्रह्मा जी भी शिवजी के इस रूप को देखकर आतंकित हो गए थे। कोई भी भगवान शिव के सम्मुख मुख नहीं खोल पाया। देव सेना को इस प्रकार भयग्रस्त देखकर ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और श्री हरि मुनि भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार सबको अपनी स्तुति में मग्न देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और वे पहले की भांति अपने सरल सौम्य रूप में आ गए और बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु और सभी देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को अवश्य ही पूरा करूँगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवादिदेव, करुणा निधान भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें कोई वर प्रदान करना चाहते हैं तो प्रभु हमें यह वर दीजिए कि जब जब हम पर कोई भी संकट आएगा आप हमारी सहायता करेंगे। जब ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु जी और देवताओं ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की तब शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ततास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने देवताओं के अभिष्ट फल को उन्हें प्रदान कर दिया। संगत जी, यहीं पर शिव पुराण श्री रुद्र संहिता पंचम खंड का 11वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।